हेलो व्यूअर्स, तो आज हम बात करेंगे अमृत आहार की। जैसा नाम से स्पष्ट है, ये ऐसा आहार है जो बॉडी को बॉडी में अमृत के समान कार्य करता है। इट इज लाइक अ नेक्टर। इनफैक्ट जो भी भोजन हम सुबह से रात तक करते हैं उसको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है अनकुक्ड फूड। इसमें आता है फल, कच्ची सब्जियां, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, स्प्राउट्स। दूसरी कैटेगरी का भोजन है जो हम लंच डिनर में करते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, ये पका हुआ खाना है। और तीसरी तरह का जो भोजन है वो है फ्राइड फूड, फिर रिफाइंड फूड इसमें आता है, और नॉन वेजिटेरियन फूड। अब हम देखेंगे इन तीनों तरह को के खाने को हजम करने के लिए बॉडी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितना समय लगता है। तो जो पहली तरह का आहार मैंने बताया उसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को 12 आवर्स लगते हैं, और जो दूसरी तरह का खाना है उसको डाइजेस्ट करने में 24 आवर्स का समय लगता है, और जो तीसरी तरह का खाना है वो इतना गरिष्ठ भोजन होता है कि उसको डाइजेस्ट करने के लिए 72 आवर्स का समय लगता है। और ये भोजन, दिस फूड टेक्स एनर्जी फ्रॉम द बॉडी टू गेट डाइजेस्टेड। फूड का क्या काम है? बॉडी को एनर्जी देना। लेकिन ये वाला खाना बॉडी से एनर्जी लेता है क्योंकि उसको डाइजेस्ट होने में इतना समय लगता है और बॉडी की इतनी ताकत लगती है। और इसमें जो ये रिफाइंड फूड है, जिसका सबसे रोजमर्रा की चीज़ जो हम यूज़ करते हैं वो है मैदा, ये बॉडी में एक इंटेस्टाइन्स में जाके सीमेंट का काम करता है। वो ऐड देखिए ना आपने कि ये दीवार तो टूटती नहीं, अंबुजा सीमेंट की बनी है, तो ये अंबुजा सीमेंट की तरह इंटेस्टाइन की वॉल से चिपक जाता है और फिर पेट में सड़न पैदा करता है। तो इन तीनों तरह के फूड में से आज हम बात करेंगे सबसे हल्के फुल्के आहार की, और वो है हमारा अमृत आहार। तो अमृत आहार में जैसे मैंने आपको बताया कि सब्जियां फल आते हैं, लेकिन इसकी भी तीन कैटेगरीज हैं। ये आहार इनफैक्ट हमें प्राणिक एनर्जी देता है, जिसको कहेंगे वाइटल लाइफ फोर्स एनर्जी। लेकिन इसमें जो पहली कैटेगरी है, जो सबसे श्रेष्ठ कैटेगरी मानी जाती है, उसमें सब तरह के फल सब्जियां स्प्राउट्स आते हैं। जो दूसरी कैटेगरी है उसको हम न्यूट्रल फूड कहते हैं। इसमें दो सब्जियां आती हैं, एक आलू और एक टमाटर। इनका ना फायदा है ना नुकसान है। और जो तीसरी तरह का की कैटेगरी इसमें है, उसमें तामसिक फूड आता है। है तो वो सब्जी, जैसे लहसुन हो गया, प्याज हो गया, हींग हो गई, इस तरह के ये आहार हमें नेगेटिव एनर्जी देता है। अब अगर हम लहसुन को लें तो वो एक मेडिसिन है, मेडिसिन हम रोज नहीं खाते, इसलिए रोजमर्रा के खाने में उसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, कभी कभी उसका मेडिसिन की तरह प्रयोग किया जा सकता है। तो ये हमने तीन तरह के प्राणिक एनर्जी फूड आपको बताए। इसमें जो सबसे अधिक प्राणिक एनर्जी से भरपूर खाना सब्जी है वो है ग्रीन पेठा, कभी कभी मिलता है, इनफैक्ट साउथ साइड में पुणे में वो काफी मिलता है, उसका जूस पिया जाता है। और ये जो फूड है ये एसिमिलेट बॉडी में बहुत फास्ट हो जाते हैं, बॉडी को बिल्कुल ताकत नहीं लगानी पड़ती और समय भी नहीं लगाना पड़ता। अब आप सोच रहे होंगे कि ये खाना हम कितना खा सकते हैं, थोड़े फल खा लिए सारा दिन में या एक प्लेट सैलेड की खा ली। लेकिन नहीं, आज हम एक पूरा डिनर होस्ट करेंगे इस अमृत आहार का। तो जब हम डिनर के लिए गेस्ट्स को बुलाते हैं तो सबसे पहले हम क्या सर्व करते हैं? सॉफ्ट ड्रिंक्स। सो अब यहाँ पर मैं दो तरह के जूसेस आपको बताऊंगी। सबसे पहला जूस है रूबी वाइन। ये ना केवल आपके गेस्ट को पौष्टिकता देगा बल्कि टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। तो इसके लिए इंग्रेडिएंट्स हैं पाइनएप्पल, एक पाइनएप्पल, एक बीटरूट। पाइनएप्पल में बहुत मात्रा में विटामिन सी होता है और मैंगनीज होती है, और जो बीटरूट है ये दिस इज फुल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन, ये ब्लड में हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। और इसमें हम एक चम्मच हनी डाल सकते हैं। हनी एक सबसे उत्तम क्वालिटी का स्वीटनर है, जिसको बिना किसी हेजिटेशन के हम आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक शार्प नाइफ से पाइनएप्पल का छिलका उतार लीजिए और फिर उसको लंबी स्ट्रिप्स में काट लीजिए और जूसर में उसका जूस निकाल दीजिए, और बीटरूट को भी आप छील लीजिए पीलर से
और उसके बाद उसको काट के जूसर में डाल दीजिए। जूसर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मिक्सी में भी इसको चर्न किया जा सकता है, और फिर उसके बाद आप छलनी में उसको छान लीजिए। और एक ग्लास में एक 1 टीस्पून आप हनी डाल सकते हैं। हनी इज द बेस्ट स्वीटनर वन कैन हैव। तो ये है हमारी रूबी वाइन, ये मैं जूसर में निकाल के लाई हूँ। जैसा कि आपको कलर से ही पता लग रहा है, ये सीधा आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन को बढ़ाएगा और बहुत टेस्टी भी है, आप ट्राई करके देखिए। तो सेकंड जूस जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है बेल का शरबत। ये एक बहुत ही फायदेमंद फ्रूट है, और इसका फायदा ये आता ही समर सीजन में है, जैसे अप्रैल से जुलाई तक ही मिलेगा ये। और ये बॉडी के टॉक्सिन्स को निकालता है, और लू लग जाने पर ये बहुत ही रामबाण की तरह काम करता है। और इसको बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। इसमें एक बेल फ्रूट चाहिए हमें, और थोड़ा सा लेमन जूस और थोड़ा सा हनी, बस। तो ये बेल फ्रूट है जिसको हम सबसे पहले, इसकी हार्ड स्किन होती है तो इसको हम तोड़ेंगे। इसका गुदा निकाल लेंगे। ये इसके साथ जो लगा होता है इसको कुछ भी फेंकना नहीं होता, क्योंकि सबसे ज्यादा पौष्टिकता इसी में होती है। और पूरी अच्छी तरह इसको निकाल लेना है। अब हम इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको पानी में भिगो देंगे। एक और बात मैं आपको बताऊं कि ये बड़ा अच्छा फेस पैक भी है, जब आप इसको बनाएं तो फिर इसको फेस पे लगा भी सकते हैं। अब इसको थोड़ी देर हमें भिगो के रखना होता है, उसके बाद हम इसको छलनी में छान लेंगे। इसके लिए ये स्टील की छलनी सबसे अच्छी है, क्योंकि इसमें ज्यादातर गूदा नीचे चला जाएगा। इसमें डाल लेंगे और इसको मैश करके पूरा गूदा नीचे आ जाएगा, बस बीज ऊपर रह जाएंगे, और जो बचा हुआ ये रह जाता है इसको आप फेस पे लगा सकते हैं। और ये पेड़ पे होता है तो इसमें पेस्टिसाइड का भी कोई डर नहीं है, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा फल है। इनफैक्ट आयुर्वेद में तो इसको एज मेडिसिन भी यूज किया जाता है। बेल का पाउडर भी खाते हैं जिनको स्टमक की प्रॉब्लम होती है, इट इज वेरी गुड फॉर स्टमक। अब इसमें हम थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे टेस्ट के लिए। और इसमें हम थोड़ा सा हनी डालेंगे। अब ये हमारा शरबत तैयार है, बेल का शरबत, जो आपके गेस्ट को जरूर पसंद आएगा। हम इसको एक ग्लास में डालेंगे। तो ये हमारा बेल का शरबत तैयार है, एंड आई होप योर गेस्ट विल लव इट। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स के साथ हम क्या सर्व करते हैं?
स्नैक्स, लेकिन आज मैं आपको फ्राइड स्नैक्स नहीं बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ एक बहुत ही हल्का फुल्का स्नैक, और वो है कोको ककम्बर। ये एक बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट होने वाला सैलेड है, और इसमें हम कोकोनट डालते हैं। इन सारी डिशेस में कोकोनट की बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम कहीं पर भी ऑयल यूज नहीं कर रहे हैं, और कोकोनट में नेचुरल ऑयल होता है। इसी तरह इसमें हम तिल का इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी नेचुरल ऑयल होता है। तो जो भी कमी हमारी ऑयल ना खाने से कमी रह जाती है, उसको हम इन सारे इंग्रेडिएंट से जो नेचुरल हैं पूरी तरह से, हम इनको पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें 2 खीरों की आवश्यकता है। इनको हमने छील के बारीक काट लिया, और उसके बाद ये कोकोनट है, इसको हमने ग्रेट कर लिया। और ये है, इसको रोस्टेड ग्राउंडनट है। ग्राउंडनट को जब हम फ्राई करते हैं तो वो इनडाइजेस्टिबल हो जाती है, लेकिन जब उसको हम रोस्ट करते हैं तो उसका बहुत उसमें पौष्टिकता बढ़ जाती है। और ये रोस्टेड तिल है, और थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ अदरक हम लेते हैं, नींबू निचोड़ना होता है, और थोड़ा सा भुना जीरा डालते हैं। तो ये डिश बनाने के इंग्रेडिएंट्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं। इसमें हम मेन इंग्रेडिएंट है कुकुम्बर। 2 खीरों को हम छील के काट लेते हैं छोटे टुकड़ों में, और उसके बाद हम उसमें नारियल डालते हैं। नारियल को 1/4 नारियल आप कद्दूकस कर लीजिए, क्योंकि नारियल बहुत इम्पोर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि हम किसी तरह का कोई भी ऑयल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो नारियल में जो नेचुरल ऑयल होता है वो इस डिश में काम आता है, और इसी तरह तिल का भी हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, और ग्राउंडनट का, क्योंकि इन तीनों चीज़ों में अपना ऑयल होता है। इनफैक्ट हर चीज़ में अपना नेचुरल ऑयल होता है, और हमें हमारी बॉडी को ऑयल की आवश्यकता होती ही नहीं है। सबसे पहले हम ग्राउंडनट और तिल को सूखी मिक्सी में पीस लेते हैं। इनको दोनों को हमने भून लिया, ग्राउंडनट को भून के उसका छिलका उतार दिया, और फिर इन दोनों को हम अच्छी तरह पीस लेते हैं। फिर उसके बाद 1 इंच पीस जिंजर को हम ग्रेट करके उसमें डालेंगे, और ग्रेटेड कोकोनट डाल देंगे, और इसकी थोड़ा सा पानी डाल के हम इसकी पेस्ट बना लेते हैं। अब हम इनको मिक्स करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने खीरे के कटे हुए खीरे को डाला, और जो हमने पेस्ट बनाई है हम उसको मिक्स कर देंगे, और इसमें हम थोड़ा सा नमक टेस्ट के हिसाब से, थोड़ी सी काली मिर्च, और थोड़ा भुना हुआ जीरा डालेंगे, और थोड़ा सा नींबू निचोड़ देंगे। इसमें आप थोड़ी सी पिसी हुई चीनी भी स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो, वो टेस्ट के हिसाब से है। अब इसको हम अच्छी तरह मिला लेंगे। ये आपका कोको ककम्बर तैयार हो गया।